कृष्णा, सभी वैष्णव भक्तों को हमारी ओर से दंडवत प्रणाम। आज हम लोग भक्तमाल की कथा में भगवान नरसिंह देव के प्राकट्य के कथाओं के बारे में श्रवण करेंगे, जो थोड़ा संक्षिप्त में हम बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग सातवें स्कंद में इस कथा का संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। भगवान विष्णु के प्रधान 10 अवतारों में से नरसिंह भगवान के चतुर्थ अवतार माने जाते हैं। श्री व्यास देव के पिता महर्षि पराशर अपने शास्त्र में परमेश्वर भगवान के 4 स्वरूपों में से भगवान नरसिंह देव का अन्यतम प्रकाश, प्रधान प्रकाश के रूप में वर्णन किया। श्री नरसिंह देव संपूर्ण रूप से परमात्मा के अंश हैं एवं भगवान के अपरापर प्रकाश में अन्यतम हैं। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में परमेश्वर भगवान के विषम्यकारी आविर्भाव एवं महिमा का वर्णन मिलता है। तो बहुत दिन पहले की कथा है कि हिरण्यकश्यपु नामक एक महान शक्तिशाली दैत्य था, जो स्वर्ग के राजा इंद्र के समान ही सभी देवताओं को युद्ध में पराजित कर रहा था। वह विश्व के ब्रह्मांड का एक छत्रपति और अधिपति बन गया था। अपने अमरत्व के लिए एक बार वह कठोर तपस्या करने के लिए निकल गया और अपने दोनों हाथों को आकाश में ऊपर की ओर खड़ा करके सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से अमरत्व प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते दीर्घ काल तक निकल गया और वो इस तरह तपस्या में लीन हो गया कि कई वर्ष बीत गए और एक समय हिरण्यकश्यपु के सिर से आग एवं धुआं निकलने लगा। फलस्वरूप विश्व के ब्रह्मांड के सारे प्राणियों का जीवन संकट में पड़ गया। तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ और उन्होंने प्रकट होकर के कहा कि मांगो, तुम क्या वरदान मांगते हो? तो हिरण्यकश्यपु कहता है कि मुझे ब्रह्मदेव मुझे अमर कर दीजिए, मुझे अमरत्व चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो खुद अमर नहीं हूँ, मुझे भी शरीर ये छोड़ना पड़ता है, फिर मैं तुम्हें कैसे अमरत्व प्रदान कर सकता हूँ? तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तो ऐसा मेरे लिए विधि बनाइए जिससे मैं दिन में मर सकता हूँ, न मैं रात में मर सकता हूँ, न मैं किसी प्राणी से मर सकता हूँ, न हिंसक जंतु से मर सकता हूँ, न मैं रात घर के बाहर मर सकता हूँ, न घर के अंदर मर सकता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और ब्रह्मा से वर मांग करके वो हिरण्यकश्यपु राज्य के लिए चला गया। और जब वो राज्य के लिए निकला था तो राज्य त्याग कर तपस्या में जब लीन हुआ था, उस समय इंद्र उसके घर में आक्रमण कर दिया अपने साथियों के साथ, पार्षदों के साथ। तब उसकी पत्नी जो कयाधु थी, कयाधु गर्भवती थी, और वो उनके पीछे उनके गर्भस्थ संतान को नष्ट करने के लिए इंद्र ने उनको अपने साथ ले लिया। तब रास्ते में उन्हें नारद जी मिले और नारद जी ने कहा इस संतान को मत मारिए, इनके जो गर्भ में हिरण्यकश्यपु की पत्नी के जो गर्भ में, कयाधु के गर्भ में जो संतान पल रहा है वो एक महान भक्त है, वो विष्णु भक्त बनेगा आगे चलकर। तब इंद्रदेव ने उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। वो फिर ये अब इनके पति तो साथ में थे नहीं, हिरण्यकश्यपु साथ में नहीं था, तो नारद जी ने उन्हें अपने आश्रम में लेके गए और अपने आश्रम में ले जाकर उन्हें रोज कथा श्रीमद् भागवत का पाठ कराया करते थे, उन्हें सुनाते थे। तो कयाधु भी सुनती थी और उनके गर्भ में रहने वाला वो बच्चा भी सुनता था। जब तपस्या पूरी हो गई और गर्भ का संतान संभावित समय पर उत्पन्न हो गया और तपस्या भी इधर पूरी हो गई, तो प्रहलाद जी और नारद जी ने प्रहलाद को और उनकी माता कयाधु को उन्हें लौटा दिया हिरण्यकश्यपु को। अल्पायु से ही प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु के पंचम भक्त बन गए। उनके पिता एवं शिक्षकों के निषेध एवं विभिन्न प्रकार के उपदेश के बावजूद वे स्कूल के बंधु बांधवों को विष्णु भक्त होने पर विष्णु की सेवा करने का सदुपदेश देते थे। हिरण्यकश्यपु विष्णु को अपना पिता, अपना परम शत्रु मानता था। शत्रु के प्रति पुत्र की अचला भक्ति देखकर हिरण्यकश्यपु हताश हो जाता था। अंत में उसने विभिन्न उपायों से प्रहलाद को जान से मारने का प्रयास किया, किंतु परमेश्वर भगवान विष्णु की कृपा से प्रत्येक बार ही प्रहलाद के प्राणों की रक्षा होती थी। कभी वो पहाड़ से गिरा देता था, कभी वो हाथी से कुचलवा दिया, विषैले नागों से उन्हें कटवाया, फिर उसके बाद
वो होलिका से, होलिका नामक हिरण्यकश्यपु की बहन थी, उसके पास एक ऐसी साड़ी थी जिसे पहनने से अग्नि से उसकी रक्षा हो जाती। एक दिन प्रहलाद महाराज को लेकर होलिका वो साड़ी पहनकर आग में कूद पड़ी और प्रहलाद को भी अपने गोद में बिठा लिया ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए। इस घटना का स्मरण करके विश्व के विभिन्न स्थानों में हिंदुओं के प्रत्येक वर्ष में फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका का उत्सव मनाया जाता है। किसी भी प्रकार से भगवान विष्णु से च्युत न कर सकने पर एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बुलाकर पूछा कि उसका परित्राण करने वाले भगवान कहाँ रहते हैं। उत्तर में प्रहलाद ने कहा, सर्वत्र हैं एवं सब कुछ बीच में निवास करते हैं, सबके बीच में। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्या इस स्तंभे में, इस खंडे में भी तुम्हारे भगवान हैं? तो प्रहलाद महाराज ने कहा, हाँ है, मेरे भगवान सर्वत्र हैं और यहाँ पर भी मौजूद हैं। प्रचंड रूप से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने कहा, तब मैं अभी इसे मार डालूंगा तुम्हारे भगवान को। इतना कहकर हिरण्यकश्यपु ने अपनी गदा से जोर से उस स्तंभ में, खंभे में प्रघात किया। उसी क्षण घोर गर्जना के साथ में वज्र की तरह शब्द करते हुए नरसिंह देव भगवान उस स्तंभ से अवतरित हुए। जिस तरह बिल्ली चूहे के साथ में खिलवाड़ करती है, उसी प्रकार युद्ध करते हुए नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यपु को अपनी गोद में स्थापित कर लिया और अपने हाथों को, उंगलियों की कठिन नागाघात से, अपने नाखून से हिरण्यकश्यपु के छिन्न भिन्न कर दिया और उसकी अंतड़ी को निकाल कर भगवान ने अपने गले में माला पहन लिया। हिरण्यकश्यपु का वध करते समय भगवान नरसिंह देव ने ब्रह्मा द्वारा दिए गए सभी वर की रक्षा की। वे अर्ध मानव थे, न नर थे न सिंह थे, वो नर और सिंह दोनों थे, नरसिंह थे, अवतरित हुए। और गोधूली बेला थी, न दिन था न रात था। वो महल के प्रवेश के द्वार के बीचों भी डेहड़ी पे बैठे थे भगवान, न घर के अंदर थे न घर के बाहर थे। इस प्रकार नरसिंह देव ने अपने परम भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए विश्व ब्रह्मांड को एक अत्याचारी शासक से मुक्त कर दिया, इसलिए उन्हें भक्तवत्सल भगवान के रूप में जाना जाता है एवं यथार्थ में वे बुद्धिमान व्यक्ति उनकी पूजा अर्चना करते हैं। भगवान नरसिंह देव इतने महान हैं और इतने भक्तवत्सल हैं कि उनके भक्त प्रहलाद महाराज उन्हें बार बार पुकारते थे और वो एक ही मंत्र का जप करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो उस समय के, उस युग के लिए ये मंत्र था और अभी के युग के लिए सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र है, इसके अलावा और कोई कल्याण नहीं है हम सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे की कथाओं में हम लोग देखेंगे कि भगवान नरसिंह देव कैसे अपने भक्तों के ऊपर भक्तवत्सल होते हैं और सत्य घटनाओं से हम सब कथाओं का श्रवण करेंगे। हरी बोल।